इस वीडियो में लायन का एक झुंड अचानक एलिफेंट पर अटैक कर देता है और आप देख सकते हैं कि एलिफेंट खुद को लायन के इस अटैक से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लायन का अटैक इतना ज्यादा खतरनाक है कि एलिफेंट का इस अटैक से बचना तकरीबन इम्पॉसिबल है। इस वीडियो में लायन जेब्रा पर हमला करने के लिए उसके पीछे भाग रहा है और लायन ने जेब्रा को करीबन दबोच भी लिया है, लेकिन जेब्रा लायन के इस अटैक से खुद को आजाद कराने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है जो करीबन नामुमकिन है। इस वीडियो में लायन शिकार पर हमला करने के लिए छुपा बैठा होता है और जैसे ही उसे रीच नज़र आता है तो ये उस पर अटैक कर देता है और फिर अपने ख़तरनाक पंजों की मदद से रीच को दबोच लेता है। और इसमें भी ऐसा ही नज़र आ रहा है कि रीच का बचना तकरीबन इम्पॉसिबल है। वैसे तो चीता भी जंगल के ख़तरनाक जानवरों में शुमार किया जाता है, लेकिन जब इसका मुकाबला लायन से होता है तो ये भी लायन का शिकार बन जाता है। और इस बात का अंदाज़ा आप इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं कि किस तरह लायन ने एक ही वार से चीते को बिछाकर रख दिया है। इस वीडियो क्लिप में जंगली भैंस रोड क्रॉस कर रही होती है कि अचानक लायन उस पर अटैक कर देता है। भैंस नीचे गिर जाती है और लायन उसे खाना शुरू कर देते हैं। भेड़िया जंगल का वो वाहिद जानवर है जिसे पालतू बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसका मुकाबला लायन से होता है तो लायन इसकी अच्छी तरह क्लास लेता है, जिसका अंदाज़ा आप बखूबी इस वीडियो क्लिप से लगा सकते हैं। अगर आपने लायन की ताकत और खौफ को देखना है तो इस वीडियो क्लिप को देखें, जिसमें अकेला लायन जब ज़ेब्रा के झुंड पर अटैक करने के लिए जाता है तो ज़ेब्रा का झुंड लायन पर अटैक करने के बजाय भागना शुरू कर देता है। इस वीडियो क्लिप से आपको आज मालूम हो गया होगा कि आखिर क्यों लायन को जंगल का बादशाह कहा जाता है। जिस तरह लायन को जंगल का खौफनाक शिकारी माना जाता है, इसी तरह क्रोकोडाइल को भी पानी का बादशाह माना जाता है, लेकिन इस वीडियो क्लिप में आप देख सकते हैं लायन ने पानी के खतरनाक शिकारी को भी नहीं बख्शा और इसे भी अपना शिकार बना ही लिया है।